Hi guys, this is Vanya Mishra and welcome back to my YouTube channel. So, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपने टॉप 10 Netflix वेब सीरीज के बारे में बात करने वाली हूँ. So, जो आज का वीडियो होने वाला है वो उसमें मैं जो बहुत ज़्यादा पुराने एंड बहुत ज़्यादा जो फेमस वेब सीरीज है उनके बारे में बात नहीं करने वाली हूँ. जैसे कि हमारा फ्रेंड्स हो गया, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया एंड ब्रेकिंग बैड हो गया. ये सारे इतने ज़्यादा फेमस है कि पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों ने देखे एंड ऑलमोस्ट सभी इसके बारे में जानते ही जानते हैं. बट इसके अलावा ऐसे टॉप 10 Netflix वेब सीरीज जो आपने अगर अभी तक नहीं देखे एंड अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, बिकॉज मैं एकदम क्रिस्प एंड जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एडिक्टिव से हैं, वही आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड आज की वीडियो पे जंप करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड ऑल्सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें. एंड एक और छोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो पे जंप करने से पहले कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो ही नेटफ्लिक्स वेब सीरीज इंक्लूड करने वाली हूँ जो मैंने पर्सनली वॉच किए हैं. जो मैंने नहीं देखे हैं वो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ, भले ही वो अच्छे हों या बुरे हों, बिकॉज मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकती जब तक मैंने देखे ही नहीं है खुद. तो इसीलिए जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है बस मैं वही यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ. स्टिली विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एकदम उल्टे से लाइक में. अपनी सबसे 10th नंबर की फेवरेट सीरीज से स्टार्ट करते हुए एकदम फर्स्ट नंबर तक जाने वाली हूँ. सो माय नंबर 10th फेवरेट वेब सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स इज द वेब सीरीज कॉल्ड एज किंगडम. सो आई डोंट नो इफ यू गाइस हर्ड अबाउट द सीरीज और नॉट, बट ये एक कोरियन सीरीज है एंड ये इंग्लिश में ऑब्वियसली डब्ड है. एंड इस कोरियन वेब सीरीज में किंगडम नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं कि किससे रिलेटेड होगा. तो एकदम ये राजा महाराजा और उस टाइम के स्टोरीज इसमें दिखाई हैं. बट एक चीज है इस सीरीज में जो इसको थोड़ा सा यूनिक करता है नॉर्मल से हमारे जो एंशियंट टाइम के सीरीज होते हैं उनसे, वो ये कि इस सीजन में इस सीरीज में ज़ॉम्बीज भी हैं. तो थोड़ा सा डिफरेंट एंड थोड़ा सा हमको और यूनिकनेस देखने को मिलती है. एंड मैंने जो किंगडम है वो 2020 के लास्ट में पूरा फिनिश कर लिया था. शायद इसके अब तक 2 सीजन्स आए हैं एंड मुझे बहुत पसंद आया. इसमें पॉलिटिक्स भी है एंड इसमें ज़ॉम्बीज भी हैं, तो कभी किसी को खा लेते हैं कभी किसी को खा लेते हैं. एंड इसमें थोड़ी बहुत लव स्टोरी भी दिखाई है. तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज अच्छी लगी. सो इफ़ यू गाइज आर इन टू दीज सॉर्ट ऑफ सीरीज तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट सीरीज होने वाली है. सो माई नंबर 9 फेवरेट सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स इज गोना बी नेवर हैव आई एवर. सो आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव हर्ड अबाउट नेवर हैव आई एवर और नॉट, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो सीरीज है ये एक इंडियन लड़की के बारे में है एंड एक इंडियन लड़की जो कि अमेरिका में पली बड़ी है. सो बेसिकली जो उसका स्टाइल एंड जो उसका लिविंग स्टाइल होता है वो सब कुछ ही अमेरिकन होता है, बट उसकी जो मॉम होती है वो पूरी तरीके से इंडियन होती है, दैट टू साउथ इंडियन. तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है, उनका जो कल्चर ट्रेडिशन, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं देवी से. एंड देवी इज द मेन कैरेक्टर जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. एंड इस सीरीज में ये भी दिखाया कि देवी के फादर नहीं होते हैं, उनकी डेथ हो गई होती है, तो वो कैसे अपने इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही होती है, कैसे वो उसे बाहर निकलती है. एंड देन फिर थोड़ा सा उनका बॉयफ्रेंड ड्रामा वगैरह भी दिखाया, जैसा भी टिपिकल अमेरिका में कल्चर होता है, हाई स्कूल लव एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब चीज़ें दिखाई हैं. ऐसे हमारे इंडिया वाला कल्चर नहीं दिखाया, बट वहाँ पे वो इंडियन लड़की कैसे फेस करती है चीज़ों को, कैसे वो करती है, वही सब दिखाया है. एंड इसी के आजू बाजू स्टोरी घूमती है एंड देखने में काफ़ी मज़ा आता है, बिकॉज थोड़ा बहुत इंडियन ट्रेडिशंस भी दिखाए हैं उसमें कि वहाँ के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं. तो वो सारी चीज़ें वर्ल्ड है सीरीज में, तो वो उसको काफी एडिक्टिव एंड काफी बिंज वॉच बनाती हैं. सो या दैट इज गोना बी माय नंबर 9 फेवरेट सीरीज. सो मूविंग टुवर्ड्स माय नंबर 8 फेवरेट सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स इज गोना बी अ सीरीज कॉल्ड एज अवे. आई एम लाइक डाइंग कि अब इसके जल्दी से सीजन 2 आ जाए, बिकॉज अभी तक इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सीजन आया है. एंड जल्दी से मैं आपको इसका थोड़ा सा प्लॉट बता देती हूँ. जो अवे वेब सीरीज है, ये इसका नाम अवे इसलिए है बिकॉज ये एस्ट्रोनॉट बेस्ड एक सीरीज है एंड इसमें एक मॉम होती हैं, मतलब वो बेसिकली एस्ट्रोनॉट होती हैं एंड उनके हस्बैंड भी एस्ट्रोनॉट होते हैं, बट फॉर सम रीजन सिर्फ जो मॉम होती है वो मार्स के मिशन के लिए चूज की जाती हैं एंड वो मार्स पे जा रही होती हैं एंड उनकी एक बेटी होती है. तो वो उनका स्ट्रगल दिखाया कि कैसे एक मॉम को अपनी बेटी को छोड़ के इतनी दूर मार्स पे जाना पड़ता है एंड कैसे उसकी बेटी लाइफ ट्रैकिंग कर पाती एट अ सर्टन डिस्टेंस, बट एक टाइम के बाद उनका जो डिस्टेंस है वो इतना दूर हो जाता है कि वो अपनी बेटी के साथ बात नहीं कर पाती. एंड बहुत ही मुझे ये सीरीज यूनिक इसलिए लगी कि इसमें साइंस दिखाया है, फिक्शन दिखाया है, बट एट द सेम टाइम इमोशंस भी दिखाए हैं एंड थोड़ा सा फैमिली ड्रामा भी दिखाया है. तो उससे बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है ये सीरीज. एंड इसमें जो आपके स्पेस और उसके जो एनिमेशंस एंड वो सब चीज़ें यूज़ की गई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत रियल लगती हैं देखने में. सो मुझे अवे सीरीज बहुत अच्छी लगी है. अगर आप लोगों को भी इस टाइप की सीरीज पसंद है जिसमें थोड़े से साइंस इंक्लूडेड होता है, थोड़ा सा इमोशंस होता है, अगर आपको एस्ट्रोनॉट्स रिलेटेड कोई सी भी सीरीज पसंद है, तो आई
आई एम श्योर दैट यू गोना लव दिस सीरीज. सो मूविंग टुवर्ड्स माय नंबर 6 फेवरेट सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स इज गोना बी ब्रिजिटन. सो ब्रिजिटन के बारे में आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे. नहीं जानते हैं तो मैं आपको अभी से पुश करने वाली हूँ कि जाइए, ब्रिजिटन नहीं देखा है तो ब्रिजिटन जरूर देखिए. ये भी अपने आप में एक बहुत ही एपिक वेब सीरीज बनी थी. हालांकि इसका अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही या शायद दो ही सीजन आए, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने बहुत पहले पहले देख के छोड़ दिए हैं. बट ये ऐसे कुछ एक या दो सीजन ही आए हैं इसके. एंड जो ब्रिजिटन की स्टोरी है वो पूरी यू नो डच एंड डचेस के आजू बाजू घूमती है. एंड इसकी जो मेन एक्ट्रेस है, मतलब जो ब्रिजिटन की मेन लीड है, वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी. एंड मुझे वो थोड़ी थोड़ी सी दैट ग्लैम गर्ल की जो हिमांशी है वो उनके जैसी लगती हैं. एंड अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है कि वो ब्रिजिटन वाली जो यू नो आई डोंट नो हर रियल नेम, बट जो उसकी मेन लीड एक्ट्रेस है, अगर वो हिमांशी जैसी लगती है, आपको भी ऐसा लगता है, तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएगा. एनीवेज ओवरऑल सीरीज बहुत अच्छी है. उनके आजू बाजू स्टोरी घूमती है एंड उनकी जो फिर शादी का स्ट्रगल वगैरह उसमें दिखाते हैं, बॉल वगैरह दिखाई कि उसमें कैसे बॉल नाइट्स होती हैं, कैसे आपको डांस करना पड़ता है टू इम्प्रेस द गाय, एंड थोड़ी बहुत फाइटिंग्स भी दिखाई हैं. एंड उसके बाद लव स्टोरी भी दिखाई है बिटवीन द डच एंड द प्रिंसेस ऑफकोर्स. तो वो लव स्टोरी इज समथिंग विच इज अप टू द मार्क. एंड उस लव स्टोरी में थोड़ा बहुत हमको यू नो ऐसे इंटीमेट सीन्स भी देखने को मिल जाते हैं. सो ओवरऑल उसमें सभी कुछ इन्वॉल्व है तो देखने में बहुत मजा आता है. सो येस, ब्रिजिटन इज गोना बी माई नंबर 6 फेवरेट सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स. सो मूविंग टुवर्ड्स माई नंबर 5th फेवरेट सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स इज गोना बी शिट्स क्रीक. एंड फ्रेंड्स के बाद अगर मुझे कोई कॉमेडी सीरीज पसंद आई है तो दिस इज गोना बी शिट्स क्रीक. इट इज सच यू नो वर्थ वॉचिंग सीरीज ऑफ ऑल टाइम्स एंड बहुत ज्यादा मूड लाइटनिंग सीरीज है. आप लोगों को बहुत पसंद आएगी अगर आप लोगों को फ्रेंड्स जैसी सीरीज पसंद है देखना तो. एंड बेसिकली जो इसकी स्टोरी है वो एक फैमिली के अराउंड घूमती है, जिसमें फादर मदर एंड उनके दो बच्चे होते हैं. उसमें से एक का नाम होता है डेविड. एंड ओ माई गॉड, मैं पूरी सीरीज ही उस डेविड के लिए देखी है एंड आई जस्ट लव हिज कैरेक्टर. एंड उनकी जो फीमेल कैरेक्टर है, दैट मीन्स डेविड की जो सिस्टर एलेक्सिस, वो भी मेरी बहुत फेवरेट है. उनकी जो पर्सनैलिटी एंड जो उनका कैरेक्टर दिखाया है वो बहुत फन लविंग है. उनका ड्रेसअप बहुत अच्छा हुआ है. तो बेसिकली ऑल इन ऑल उसकी मैं एक स्टोरी नहीं बता सकती, बट बस यही है उसका एक प्लॉट कि वो लोग बहुत ज्यादा रिच होते हैं एंड मतलब जो उनकी फैमिली बहुत रिच होती है, बट बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस वो लोग जो होते हैं वो अचानक से बहुत गरीब हो जाते हैं. एंड उस वजह से वो उनका सब कुछ चल जाता है, लाइक उनका पूरा प्रॉपर्टी, उनके पूरे पैसे वैसे सब चले जाते हैं. तो इसी वजह से वो लोग एक टाउन में रहने आते हैं. उस टाउन का नाम होता है शीट्स क्रीक. तो जो शीट्स क्रीक टाउन होता है वो टाउन यू नो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल एंड मिडिल क्लास लोग रहते होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिच होते हैं. तो उस वजह से उनको वहाँ पर एडजस्ट करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही होती है. तो वो सारी चीज़ें देखने में एंड हाउ दे एडजस्टेड, तो वो बहुत ज़्यादा फनी हो जाता है. सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड सीरीज. सो इफ यू गाइज आर इन टू कॉमेडी एंड mood lightning sort of series, then Schitt's Creek is for you. So my number 4th favorite series of Netflix is gonna be The Bold Type. सो द बोल्ड टाइप बहुत ज़्यादा हाइप्ड नेटफ्लिक्स सीरीज है. एंड लेट मी टेल यू कि जितनी भी इसके बारे में हाइप किया गया है ना, दिस सीरीज डिजर्व्स इट ऑल. बेसिकली इस वेब सीरीज की जो स्टोरी है वो तीन फ्रेंड्स के सराउंडिंग घूमती है. एंड वो जो तीनों फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं एक दूसरे से. एंड इसका थोड़ा सा प्लॉट मैं आपको बताती हूँ. सो बेसिकली एक मैगजीन होती है जिसका नाम होता है स्कारलेट मैगजीन. एंड ये तीनों जो फ्रेंड्स होती हैं वो स्कारलेट मैगजीन में ही जॉब करती होती हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे, लाइक कोई राइटर होती है एंड कोई यू नो ये सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर होती है, एंड कोई जो होती है वो रिसेप्शनिस्ट होती है. तो कैसे उनके ड्रीम्स एंड एम्बिशंस होते हैं, वो कैसे उससे खुद को बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा बहुत उनकी लव लाइफ दिखाई, थोड़ा बहुत उनकी पर्सनल लाइफ दिखाई है, एंड उन तीनों की जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो दिखाया है. तो ऑल इन ऑल दिस सीरीज इज लाइक माई मोस्ट फेवरेट सीरीज एंड मैंने इसको नंबर 4th पे रखा जरूर है, बट इट इज आई थिंक माई नंबर 1. बट या सो मूविंग टुवर्ड्स माई नंबर 3rd फेवरेट सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स इज गोना बी वाइकिंग्स. टू बी वेरी ऑनेस्ट, गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद अगर मुझे कोई भी यू नो ऐसी एंशियंट टाइम की वेब सीरीज पसंद आई है, देन इट इज गोना बी वाइकिंग्स. जो इस सीरीज में आपको यू नो मतलब जो आपको जो माहौल एंड वो सब दिखाया है ना उस इस वेब सीरीज में, वो देख के आपको बहुत मजा आता है एंड ऐसे ही लगता है कि आप बिल्कुल पहले के टाइम पे पहुंच गए हैं. एंड बेसिकली जो इस सीरीज का प्लॉट है वो ये रहता है कि इसमें वाइकिंग्स का मतलब क्या होता है. वाइकिंग्स एक तरीके की कम्युनिटी होती है जो कि जीसस क्राइस्ट में बिलीव नहीं करते होते हैं. एंड वो लोग क्या होता है ना, उन लोग मतलब मारने काटने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं. एंड दे उनका लाइफ का मोटो रहता है कि मारो काटो एंड
छीनो झपटो वाला रहता है, बट स्टिल दे हैव देयर इमोशंस, स्टिल उनके भी फैमिली होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, तो वो लोग कैसे उसमें सर्वाइव करते हैं वो दिखाया गया है. एंड वाइकिंग्स बेसिकली मीन दैट जो कि जो लोग सेल करते हैं, यू नो, शिप से सेल करते हैं, तो उन लोगों को वाइकिंग्स बोला जाता है. तो इसमें दो तरीके के गॉड्स को दिखाया गया है. एक गॉड्स वो जो वाइकिंग्स लोग जिनको मानते हैं, वाइकिंग्स और नॉर्थमैन और पेगन्स जो भी आप लोगों ने बोले, और एक जो गॉड होते हैं वो होते हैं जीसस क्राइस्ट. तो इन दो गॉड्स के ऊपर स्टोरी बेस्ड है. लाइक गॉड्स नहीं दिखाए गए बट इन लोगों को कैसे वो लोग गॉड्स को प्लीज करने के लिए चीजें करते हैं. फाइटिंग बहुत ज्यादा है, वायलेंस बहुत ज्यादा है, एंड बहुत मजा आता है. बहुत ही रॉ वेब सीरीज है. अगर आपको ऐसी रॉ एंड ऐसी धड़ 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 वाली वेब पसंद है तो आपको बहुत अच्छी लगेगी. मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स भी बहुत ज़्यादा पसंद था, एंड ये जो सीरीज है ये गेम ऑफ थ्रोन्स से भी रॉ है. सो इफ यू गाइज आर इन टू दीज काइंड ऑफ ओल्ड एंड एंशियंट एंड यू नो पॉलिटिकल वेब सीरीज, देन दिस इज फॉर यू. सो मूविंग टूवर्ड्स माई नंबर सेकेंड फेवरेट नेटफ्लिक्स वेब सीरीज इज गोना बी बेटर कॉल सॉल. सो आई नो दिस इज अ वेरी वेरी अंडर रेटेड वेब सीरीज, एंड ये जो वेब सीरीज है ये ब्रेकिंग बैड का प्रीक्वल बोल सकते हैं आप इसको. सो अगर आप लोग ब्रेकिंग बैड देखें तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें एक लॉयर के बारे में दिखाया गया था जिनका नाम था सॉल गुडमैन. तो बेटर कॉल सॉल जो सीरीज है ये सॉल गुडमैन की लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है कम्प्लीटली. इसमें जो सॉल गुडमैन का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मस्त कैरेक्टर है, एंड कैसे वो स्ट्रगल करते हैं पूरे ही सीरीज में अपने आप को प्रूव करने के लिए. एंड बेसिकली वो लॉयर होते हैं, कैन उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है, वो उस लॉयर की पोजीशन तक पहुँचते, मतलब पहुँचने के पहले उनकी क्या लाइफ हुई होती है वो सब दिखाया गया है इसमें. सो इट्स वर्थ वॉचिंग. इसमें ड्रग्स भी इंक्लूडेड हैं, एंड इसमें पूरी वो जो ड्रग डीलर की जो चेन्स होती हैं वो भी दिखाई गई कि कैसे ड्रग इधर से उधर जा रहा है. अगर आप लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखा है तो उसमें आप गुस्टावो फ्रेंच को तो जानते ही होंगे, एंड ऑफकोर्स माइक को भी. एंड ये जो माइक और ये जो गुस्टावो की फ्रेंडशिप होती है ये हमको ब्रेकिंग बैड में देखने को मिली है, बट ये फ्रेंडशिप बनी कैसे, एंड इसमें अर्मन ट्रॉट, माइक अर्मन ट्रॉट का जो पास्ट है वो दिखाया गया है, एंड गुस्टावो फ्रेंच कैसे बना वो हमें दिखाया गया. एंड प्लीज अपोलोजीज अगर मैं नेम्स गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो वो हमको उनका पास्ट उसमें दिखाया गया, तो वो बहुत मजा आता है देखने में. ट्रस्ट मी, बहुत मस्त वेब सीरीज है, एंड देर इज अ रीजन कि मैंने इसको नंबर सेकंड पर क्यों रखा है. सो अगर अभी तक नहीं देखे देन यू शुड वॉच दिस वेब सीरीज. सो माई नंबर वन मोस्ट फेवरेट वेब सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स इज गोना बी नन अदर देन मनी हाइस्ट. सो अब आप सोचेंगे कि मैंने मनी हाइस्ट क्यों डाल दिया, ये भी तो इतना फेमस था. दैट इज बिकॉज मनी हाइस्ट अभी अभी इसी साल रिलीज हुआ है, एंड नया नया वेब सीरीज है यार, तो इसको इंक्लूड करना तो बनता ही था. सो मुझे मनी हाइस्ट के बारे में ज्यादा ब्रैग करने की जरूरत तो नहीं है, बट अगर आप लोग फिर भी मनी हाइस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, एंड अगर अभी तक आपने मनी हाइस्ट नहीं देखा है, यू शुड वॉच इट माई फ्रेंड, यू शुड वॉच इट, यू विल थैंक मी लेटर, बिकॉज मनी हाइस्ट इज दैट गुड. एंड इसकी जो स्टोरी है वो मतलब मैं इसकी स्टोरी आपको बता ही नहीं सकती, इतनी डिफरेंट है, बट एक ओवरऑल मैं प्लॉट बताती हूँ. सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक बंच ऑफ रैंडम लोग होते हैं, मतलब एक प्रोफेसर होता है, बेसिकली एक प्रोफेसर से हम लेते हैं, वो प्रोफेसर जो होता है वो मास्टरमाइंड होता है, एंड उनका काम क्या होता है, चोरियां करना. ओके तो चोरियां करना उनका काम होता है, एंड चोरियां करने के लिए चोर चाहिए होते हैं. तो चोरियां वो लोग ऐसी छोटी मोटी चोरियां नहीं करते हैं कि भाई कभी दुकान लूट ली, सीधे उन लोगों की जो चोरी के टारगेट्स होते हैं वो बैंक्स होते हैं बड़े बड़े, या फिर बड़े बड़े म्यूजियम्स होते हैं, या फिर जहाँ पे हमारा जो ये गवर्नमेंट का जो पैसा या कुछ कुछ रखा जाता है, तो वहाँ की स्टोरी लाइन चलती है. एंड अब चोर कहाँ से लाए, तो जो चोर ये लोग ढूंढते हैं उसके लिए ये लोगों ने है ना मतलब अच्छे जाने माने जो फेमस मर्डरर्स और फेमस थीव्स होते हैं उनको कहीं कहीं से पिक करता है ये प्रोफेसर. उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है, अपने जो मास्टर प्लान होता है उसको बताया जाता है, एंड ऑब्वियसली फिर जब चोर होगा तो फिर पुलिस तो होगी होगी, फिर पुलिस भी होती है नेक्स्ट साइड पे. एंड ट्रस्ट मी, जितना लेम साउंड कर रहा है ना मेरे मुँह से, ये सीरीज वैसी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी, अदरवाइज आपको लगेगा कि क्या ही है, लेकिन यू मस्ट वॉच दिस सीरीज, इट्स लाइक superb, I love it, and this series is like worth giving your time. And बहुत ही different web series है, मैं मुझे नहीं लगता कि ऐसी web series आज तक कभी भी बनी है, like it's very different, very new concept. हाँ obviously हमारे इंडिया में धूम बनी है, but हम धूम से बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते, we can't, ये मनी हाइस्ट की तौहीन होगी कि अगर हमने इसकी धूम से तुलना कर ली तो. बट एक जनरल से मैं आपको जिस्ट दे रही थी इसका.
सो या इट्स अ वेरी नाइस वेब सीरीज एंड अभी तक नहीं देखी तो प्लीज इसको तो आप देख ही लो यार, कुछ देखो मत देखो। वैसे तो जितनी भी मैंने बताई है सारी ही बहुत अच्छी है, बट मनी हाइस्ट इज लाइक द बाप ऑफ ऑल, दैट इज व्हाई इट इज ऑन नंबर वन। सो यस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। एंड अगर आप लोगों के फ्रेंड्स भी यू नो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसी वेब सीरीज देखें एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये वीडियो आप आराम से उनके साथ शेयर कर सकते हैं एंड दे विल थैंक मी लेटर ऑफ कोर्स। सो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा आप लोगों की फेवरेट नेटफ्लिक्स वेब सीरीज कौन सी है। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। Bye-bye.